लेकिन जब फोन नोट पकड़ेंगे तो हमें इस तरीके से बराबर में पकड़ना होगा, यानी कि इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे तब ये सीधा हमारा हाथ पड़ेगा, नहीं अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये तो इधर चला गया, इधर तो जाएगा ही नहीं। इसलिए ये मिस्टेक मत करिएगा, बहुत सिली सा मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते प्रणाम, मैं हूं कंचन मणिरत्नम यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है फोर नोट्स कॉर्ड इन ब्लैक कीज। इसके पहले हम जो वीडियो लेकर के आए थे उसमें हमने पूरे व्हाइट कीज पे आरपीजीओ बताया था जो फोर नोट पर बेस्ड थे। और हमने उस वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सारे व्हाइट कीज पे मेजर और माइनर फोर कॉर्ड नोट्स आरपीजीओ हम बता रहे हैं। इसके बाद एक दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारे ब्लैक नोट्स को हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सारे शार्प को कवर करने वाले हैं। सी शार्प मेजर स्केल में फोर नोट कॉर्ड अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे नोट करिए, मेजर का क्या होगा, सी शार्प, एफ, जी शार्प, सी। राइट हैंड का फिंगर नंबर जो होगा 1 2 3 5 होगा, लेफ्ट हैंड का फिंगर नंबर जो होगा की 5 3 2 1। ये तो हो गया हमारा मेजर। अभी माइनर देखिए, सी शार्प माइनर, मेजर और माइनर साथ में लिखते चलिएगा। राइट हैंड का फिंगर नंबर, अब माइनर में इसके नोटेशन देख लीजिए, सी शार्प, ई, जी शार्प एंड सी। और फिंगर नंबर है राइट का 1 2 3 5 और लेफ्ट हैंड का होगा 5 3 2 1। देखिए फिंगर नंबर तो सेम ही है बट हमें नोटेशन पर ध्यान देना है कि मेजर और माइनर के क्या हो रहे हैं नोटेशंस। अब देखते हैं डी शार्प मेजर स्केल। तो डी शार्प मेजर स्केल का जो नोड है वो क्या है फोर नोड कॉर्ड में, कि डी शार्प, जी, ए शार्प, डी। अगेन उसके साथ में फिंगर नंबर क्या है, राइट हैंड का 1 2 3 5, लेफ्ट का 5 3 2 1 हो गया। माइनर का देखे डी शार्प माइनर, तो डी शार्प, एफ शार्प एंड ए शार्प, जी शार्प, ये सारे ब्लैक नोट्स हो जाते हैं। तो फिंगर नंबर है 1 2 3 5, वही वाला जो सबका फिंगर नंबर है, कॉमन फिंगर नंबर है। अब हमारा दो शार्प हो गया कवर, क्या है अब आएगा हमारा एफ शार्प, जी शार्प एंड ए शार्प। तो चलिए उसको भी देख लीजिए क्या है। एफ शार्प मेजर देखिए, एफ शार्प मेजर में जो इसके फोर नोट कॉर्ड है वो है एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प एंड एफ शार्प। अगेन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का फिंगर नंबर जस्ट अपोजिट होगा 1 2 3 5 और लेफ्ट का होगा 5 3 2 1। माइनर में इसके नोट देखिए एफ शार्प, ए, सी शार्प, एफ शार्प, तो फिंगर नंबर 1 2 3 5 और लेफ्ट का 5 3 2 1। अच्छे से नोट करना बहुत जरूरी है, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा जब हम वहां पे बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जी शार्प मेजर, जी शार्प मेजर का जो फोर नोट कॉर्ड होगा जी शार्प, सी, डी शार्प एंड जी शार्प है। राइट का फिंगर नंबर है 1 2 3 5, लेफ्ट का 5 3 2 1, 5 3 2 1, ठीक है नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे माइनर, माइनर में क्या हो जाएगा, चेंज होता है, सी की जगह बी हो जाएगा, तो जी शार्प, बी, डी शार्प, जी शार्प। राइट फिंगर नंबर 1 2 3 5, लेफ्ट का फिंगर नंबर 5 3 2 1। तो ये हमारा हो गया जी शार्प। अब बात करेंगे ए शार्प का, ए शार्प मेजर, ए शार्प माइनर। तो ए शार्प मेजर अब देखिए क्या है कि ए शार्प, डी, एफ एंड ए शार्प, ये इसके नोटेशंस हैं। राइट का फिंगर नंबर 1 2 3 5, लेफ्ट का 5 3 2 1। माइनर में भी यही है 1 2 3 5, फिंगर नंबर लेफ्ट राइट का और लेफ्ट का 5 3 2 1। नोट आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें ए शार्प, सी शार्प, एफ एंड ए शार्प हो जाएगा। तो जितने भी शार्प थे हमने अच्छे से लिखवा दिया। अब इसको कीबोर्ड पर भी आप लोग देख लीजिए और कैसे प्ले करना है, आरपीजीओ फॉर्म कैसे बनाना है, बहुत जरूरी है कि आप इसको अच्छे से सीखें। क्या होता है कि सारे जितने भी व्हाइट कीज है ना, जितने भी व्हाइट नोड होते हैं जैसे सी, डी, ई, एफ, जी, उस पे आरपीजीओ सभी सिखा देते हैं, जो ब्लैक नोट्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा छोड़ते हैं, कहते हैं कि व्हाइट में भी ब्लैक पांचों आ जा रहा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे डिफिकल्टी आती है कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक होते हैं तो उसपे आरपीजीओ कैसे प्ले किया जाता है, उस पर डिफिकल्टी होती है। इसलिए सभी को जरूरत होती है कि सारे ब्लैक नोड को भी अच्छे से एक्सरसाइज करें। अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली होती है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये बता दिए कि कभी भी कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। कोई अगर नहीं भी बताता तो मेरे चैनल पर ये आपको मिल ही जाएगा। तो आइए कीबोर्ड पर देखते हैं इसको कैसे बजाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फोर नोट कॉर्ड को ब्लैक नोट पे कैसे प्ले करेंगे आइए देखते हैं। इसमें हमने बताया था कि हमारे पास 5 ब्लैक नोट्स हैं, जैसे सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। अब इसमें फोर नोट कॉर्ड कैसे प्ले करेंगे वो देखिए, लिखवा तो दिया ही है। जैसे सी शार्प में अगर हमें प्ले करना है तो सी शार्प का कॉर्ड क्या होता है, सी शार्प, एफ एंड जी शार्प, तो इस तरीके से, और लास्ट का हमारा सी शार्प फिर से ऐसे हो जाता है। तो इन चारों को जो पकड़ेंगे इधर राइट हैंड से
तो ये ऐसे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 5, यहाँ पे लेफ्ट भी ऐसे ही करेंगे 5 3 2 1 इस तरह से। तो हम पहले तो सिंगल सिंगल नोट इसको प्ले करेंगे, बहुत धीरे धीरे, स्लो स्लो पहले, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी कि आप स्लो प्ले करें स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं और अलग अलग पहले करें। तरीका जो होता है ना, लोग सोचते हैं कि एक ही बार में हम सब प्ले करना सीख जाएं दोनों हाथ से फटाफट बहुत तेज तेज जैसे एकदम फिनिशिंग के साथ, तो ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना होता है। पहला स्टेप ये है कि हम पहले, हमारे पास नोट्स कौन कौन से हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा, उसके बाद एक एक फिंगर को सेट करना होगा, फिर धीरे धीरे हम इसको ट्राई करेंगे। इस तरह से, और याद रखिएगा हर एक कीज पे हमें स्ट्रोक देना है, यानी कि थोड़ा ताकत से बजाना है। अगर हम ताकत से नहीं बजाएंगे ना तो हमारे फिंगर में स्पीड नहीं आएगी, वो तो हमारे फिंगर में ताकत नहीं आएगी, स्ट्रांगनेस नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा ताकत लगा के बजाएं, मतलब स्ट्रोक करें हर एक नोट पे, इस तरह से बजाएं ताकि हर एक फिंगर को समझ आ जाए कि कहाँ पे कौन सा नोट जा रहा है और क्लियरली प्ले हो, ठीक है। 5 बार 10 बार टाइम, जितनी भी टाइम आप इसको बजा सकते हो उतनी टाइम बजाइए, ताकि जिसमें से आपके फिंगर इस पे सेट हो जाएं। लेफ्ट में फिर आएंगे 5 3 2 1 3 2 1, इस तरह से, अगर आप स्टॉप करके प्ले करते हैं तो आपके फिंगर में ताकत आएगी हर एक फिंगर, जैसे कि पहली दूसरी तैयार है लेकिन तीसरी और पांचवी में ताकत नहीं है ना, जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक इसमें जान नहीं आएगी, ये बेजान सी होती है। लोग हमसे कहते हैं कि मैम हमारी तीसरी चौथी पांचवी में इन तीनों में ना ताकत नहीं है फिंगर पे, तो यही हम कहते हैं ताकत तभी आएगी जब आप इस पे मेहनत करेंगे। तो आप इसको इस तरह से प्ले करें, तब अपने आप फिंगर जो है चलने लगेगी और उसमें जान आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से हो जाए तो आप दोनों हाथ से धीरे धीरे प्ले करने की कोशिश करें, कैसे, प्ले करने के लिए आपके फिंगर में जान होनी चाहिए, यानी कि तीसरी चौथी पांचवी में आपके जान नहीं होगा तो आप आरपीजियो नहीं प्ले कर पाएंगे। पहली बात, लेफ्ट फिंगर में भी आपके जान होनी चाहिए, राइट में भी होनी चाहिए, ताकि आप उसको बहुत स्ट्रांगली प्ले कर पाएं। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब हाथ चलता ही नहीं, अगर चलता है तो दो में आवाज तेज आती है, इसमें आवाज ही नहीं आती है, इसलिए और प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग अगर आरपीजियो प्ले करना चाहते हैं तो आपके फिंगर में जान होनी चाहिए भाई, अगर आपके फिंगर में जान नहीं होगी तो आप इजो नहीं प्ले कर पाएंगे। फिंगर में जान कैसे आएगी, इस एक्सरसाइज को करने से, इसीलिए ये हम लेसन बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये हो गया सी शार्प मेजर, अब डी शार्प मेजर को देखते हैं। अगर तो डी शार्प मेजर में डी शार्प का आपने नोटेशन लिखा है, डी शार्प, जी, ए शार्प एंड डी शार्प। अब देखिए ये क्या है, बहुत दूर दूर है, तो हमें क्या करना है, स्टॉक देख करके प्ले करना है ताकि हर एक नोट जो है क्लियरली प्ले हो सके राइट हैंड से, इस तरीके से। जब आप पहले धीरे धीरे प्ले करेंगे तो स्पीड में भी आपका अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट में देखें कैसे होगा, ध्यान रखें कि हमारा जो नोड हो ना एकदम क्लियर हो, एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। बजाना चाहते हैं आप जी बज जाए, जी शार्प या एफ शार्प, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहले धीरे धीरे प्ले करिए ताकि फिंगर सेट हो जाए और अपने सेम जगह पे सही जगह पे ही पड़े। जब ये हो जाए तो फिर दोनों हाथ से आप कोशिश करें, ये हो गया। अब हम एफ शार्प को देखें, एफ शार्प में क्या है, एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प और लास्ट का एफ है। देखिए इसमें दूरियां हैं, दूरी थोड़ी सी ज्यादा है तो हमें फिर भी मैनेज करना होगा। 1 2 3 5 3 2 1, इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रोक करके, फिर उसके बाद
इस तरीके से हमें प्ले करना है। अब इसमें लिखें कैसे, 5 3 2 1 3 2। ठीक है, तो अब ऐसे करेंगे, अब दोनों हाथ से प्ले करने की कोशिश करें कैसे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपने जी शार्प पे। जी शार्प में जी शार्प सी डी शार्प एंड लास्ट का हमारा जी। अब देखिए इसमें 3 ब्लैक हैं और 1 व्हाइट है, तो थोड़ा सा फंसेगी फिंगर, इसीलिए आप लोग पहले से ही तैयारी कर लें इसको प्ले करने के लिए, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो कैसे। ऐसे कम से कम 10-15 बार कर लें ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जब इसमें जान आ जाएगी और आपका फिंगर हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ यही यही नोड है, तो फिर फास्ट। ठीक, अब लेफ्ट का भी ऐसे ही देखेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये स्प्रेड होता है और फिंगर में स्पेस बनती है, तो आपकी जो फिंगर है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हैबिचुअल हो जाती है कुछ अच्छा प्ले करने के लिए। कैसे भी इसको दोनों हाथ से फिर प्ले करिए। ये हो गया, अब बात करेंगे ए शार्प का। ए शार्प में ये होते हैं ए शार्प डी शार्प एफ एंड लास्ट का ए शार्प। अब देखिएगा 2 व्हाइट 2 ब्लैक। अब इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हो तो हमें पहले धीरे धीरे प्ले करना है। और याद रखिएगा फिंगर यहाँ नहीं पड़ना चाहिए, जब व्हाइट नोड आए तो उसके बराबर में होना चाहिए। अब आप लोग की दिक्कत क्या होगी पता, ऐसे प्ले करेंगे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना। अगर ये ऐसे पकड़ने की आदत है तो जब 3 नोट कॉर्ड पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन जब 4 नोट पकड़ेंगे तो हमें इस तरीके से बराबर में पकड़ना होगा, यानी कि इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे तब ये सीधा हमारा हाथ पड़ेगा, नहीं अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये तो इधर चला गया, इधर तो जाएगा ही नहीं। इसलिए ये मिस्टेक मत करिएगा, बहुत सिली सा मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट करते हैं और हमसे आके पूछते हैं कि मैम हमारा हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, हम कैसे प्ले करें, हमारा तो ही नहीं रहा। तो दिक्कत यही होती है, आप लोगों को सीधा अगर ब्लैक नोट के साथ ब्लैक नोट लास्ट का भी पकड़ना है और बीच में व्हाइट नोट है तो यहाँ ना पकड़ के आपको उसके इक्वली पकड़ना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, इस तरीके से तब जाके ये सीधा हो पाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हमने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो कि 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका, कि ए शार्प डी एफ शार्प ए शार्प। ठीक है, देखिए इतना कंफर्टेबली हम इसको प्ले कर पा रहे हैं। अगर हम अगर कोशिश करें ऐसे करने की तो देखिए हाथ कैसे टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है ना, ये मिस्टेक है, नहीं करना है हमें, सीधा करना है ताकि ऊपर इन दोनों को होल्ड करना है। राइट का हो गया, अब ऐसे ही लेफ्ट का। ठीक है, दोनों हाथ से भी प्ले कर सकते हैं इसको। अब जैसे मैंने सभी 5ों का मेजर बताया सेम उसी तरीके से माइनर्स भी होंगे। अब यहाँ पे माइनर प्ले करके बताना टाइम वेस्टिंग होगा, बिकॉज लंबा वीडियो बनाने का क्या फायदा जब टेक्निक वही है, फिंगर नंबर भी वही है, सब कुछ हमने लिखवा दिया। तो इसी तरीके से सारे माइनर्स भी कर लीजिए, सारे ब्लैक नोट्स के माइनर भी आपको इसी तरह से करना है। ठीक, अगर आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ना तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है बस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो फिंगर फंसता है, ओवरलैप कर जाता है और हाथ आपका टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है बिकॉज ऑफ आप पोजिशन नहीं जानते हो, कैसे आपको होल्ड करना है, कैसे कीज को पकड़ना है, कैसे संभालना है, ये तरीका नहीं सीखते हो आप लोग, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग ये तरीका सीख जाओ होल्ड करना कीबोर्ड को तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है प्लेइंग में। ठीक है, अब प्लेइंग में फिंगर फंस जाती है और स्पीड नहीं बनती है तो लोग कहते हैं यार हमारा तो नहीं बन पाता, कैसे लोग प्ले कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्ले करते हैं, आपको छोटी छोटी बारीकियां देखना जरूरी है। अब लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो हम बताते हैं ना
वो अपने आप छूट जाती है। मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रही हूँ, मेरा कोई भी वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखा करें बिना स्किप किए, क्योंकि बीच बीच में ना हम कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो सडन प्रॉब्लम आती है और हमें लगता है कि आपको ये दिक्कत आएगी, हम वहां भी तुरंत बता देते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है ना, जब हम इम्पोर्टेंट चीज बताने लगते हैं ना तो वो स्किप कर देते हैं, और स्किप करने से वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती है ना छोटी छोटी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्लेइंग में, आप लोग उसको मिस कर देते हैं। सभी लोगों को मेरा यही एडवाइस है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा करें बिना स्किप किए, ताकि छोटी 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 बातें जो है ना आपके जहन में बैठता रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं और कहते हैं मैम आप ऐसा सिखाती हैं, मैम ऐसा लगता है कि आप सामने हैं और हमें ये मिस्टेक हो रही है, आपने मेरे को देख करके ये प्रॉब्लम बताई है, ये तो बहुत अच्छा लगता है, आप पता नहीं कैसे समझ जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि देखो प्रॉब्लम वही होती है जो हमें होती थी, और प्रॉब्लम कॉमन होती है, जब हम सीख रहे थे तो हमें भी वही प्रॉब्लम होती है, तो मेरे जहन में आ जाता है कि भाई जो नया स्टूडेंट है उसको भी ये दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो चलिए ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है म्यूजिक से रिलेटेड, सिंगिंग, कीबोर्ड, हारमोनियम, इसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताना ना भूलिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट भर भर के कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा आप लोगों की तरफ से गुरु दक्षिणा रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।